हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक तत्काल टिकट बुकिंग करने वाला हूं स्लीपर क्लास में। वो भी मेरे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि उनका पिताजी का टिकट वो खुद से तत्काल टिकट बुकिंग कर रहे हैं लेकिन वो बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं। वो साइबर कैफे में भी जाके बोले थे लेकिन उनका टिकट बुक नहीं हो पाया था, इसलिए उन्होंने आज मुझे व्हाट्सएप सुबह सुबह व्हाट्सएप मैसेज किया था कि मुझे जौनपुर का टिकट चाहिए जो कि वो कंफर्म बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया था, जैसे कि आप व्हाट्सअप में देख पा रहे हैं। हाय भैया, गुड मॉर्निंग, 2 तारीख का टिकट कर दीजिए। पापा गांव जा रहे हैं, हावड़ा जंक्शन टू प्रतापगढ़ या हावड़ा जंक्शन टू जौनपुर, दोनों में से कहीं का भी चलेगा। मैंने रिप्लाई दिया, ओके हो जाएगा ना, सेल का चाहिए। ठीक है, मैंने रिप्लाई दिया, ठीक है फिक्स बताइए क्योंकि पापा को जाना, हम पेमेंट कर दे रहे हैं, आप बोलिए। तो आप 1 और 2 दोनों ले लीजिए, मतलब 1 तारीख या 2 तारीख दोनों ले लीजिए, कल का भी हो जाएगा तो चलेगा। एक्चुअली फिर इसके बाद मैंने रिप्लाई दिया, एक्चुअली बात यह है कि आजकल IRCTC का सर्वर बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है। पहले मैं बोल देता था 100% टिकट दे दूंगा, बट अभी बोलना सही नहीं लग रहा है क्योंकि सर्वर के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। अगर वो सही रहा तो मैं टिकट दे दूंगा कन्फर्म, ये ट्राई करिए। तो फिर मैंने बोला ठीक है, आप डिटेल्स सेंड करिए। ठीक, डिटेल्स तो इनका आ चुका है, बट देखते हैं, कोशिश करते हैं कि इनका तत्काल टिकट आज कंफर्म मैं बुकिंग कर दूं। ठीक है, सो आई होप देखते हैं क्या हो पाता है क्या नहीं। तो चलिए तत्काल टिकट बुकिंग करते हैं, 11 बजने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं हावड़ा से जौनपुर सेलेक्ट कर चुका हूं, 1 तारीख 6 महीना मतलब 1 जून 2023, और तत्काल टिकट पर क्लिक करके मॉडिफाई सर्च पर मैं क्लिक कर चुका हूं। दून एक्सप्रेस में टिकट काट रहा हूं 13009। ठीक है, वो बंदा हावड़ा से लेकर जौनपुर बोला था, तो मैं 8:25 में हावड़ा से ट्रेन है उसी ट्रेन में मैं स्लीपर क्लास में टिकट बुक करने वाला हूँ। तो स्लीपर में मैं सर्च कर चुका हूँ क्योंकि 11 बज चुका है, देखिए नीचे मैं आपको दिखा रहा है, तो मैं क्लिक कर चुका हूँ, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो जैसे कि आप देख पाए इसमें 122 सीट अवेलेबल शो हो रहा है। ठीक है, तो मैं स्लीपर पर क्लिक कर चुका हूँ, क्लिक करने के बाद 122 शो हो रहा है। अब मैं 122 पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, क्लिक करके बुक नाउ पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि प्लीज वेट का पॉपअप शो हो रहा है, जो कि आपको पता ही है कि वो आपको राउंड मैंने प्लीज वेट लिखता ही तत्काल के समय में क्योंकि सर्वर बहुत ज़्यादा डाउन होता है। तो अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं 11:01 हो चुका है। ठीक है, तो हमारा पैसेंजर डिटेल्स खुल चुका है, और इसमें एक देखिए एक प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मैं पैसेंजर्स का मास्टर लिस्ट पहले से अपना ID में ऐड करके रखा हूँ। ठीक है, और ये जो मेरा पर्सनल ID नहीं है बल्कि ये कस्टमर का ही ID है, मेरा अपना ID नहीं है। ठीक है, मैं उनसे ID मांगा था, तो उन्हीं का ID में मैं उनका पिताजी का नाम पहले से ऐड करके रखा हुआ था टोटल A to Z, बट तत्काल के टाइमिंग में मैं जैसे ही बुकिंग करने जा रहा हूँ तो इसमें ऑटोमेटिक जो पैसेंजर का नाम आ जाता है वो नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसीलिए मुझे टाइप करना पड़ रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं खुद से लिख रहा हूँ जो कि मैं पहले से मास्टर लिस्ट में ऐड करके रखा हुआ था, बट फिर भी वो वर्क नहीं कर रहा तत्काल के टाइम पे। 11:02 हो चुका है, ठीक है, अभी भी मतलब अभी हम फिलअप ही कर रहे हैं, मतलब उनका पैसेंजर का नाम ही ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि देखते हैं पैसेंजर का नाम ऐड कर लिया, इसके बाद कंटिन्यू पर मतलब भीम UPI सेलेक्ट करके पेमेंट मेथड, इसके बाद मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया हूँ। ठीक है, कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अभी भी 11:02 ही हो रहा है, अभी भी प्लीज वेट शो हो रहा है। ठीक है, मास्टर लिस्ट काम अगर किया रहता तो मेरा और जल्दी मतलब दूसरा पेज में हम आ गए रहते, बट मास्टर लिस्ट वर्क नहीं कर रहा था, वो सिस्टम पता नहीं स्लो हो गया था उस समय। तो मैं खुद से मास्टर लिस्ट में पैसेंजर का नाम फिर से ऐड किया, उनका एज दिया, मेल फीमेल जेंडर जो सिलेक्ट तक किया, इसके बाद मैं भीम UPI पे सिलेक्ट करके मतलब जो भीम UPI से मैं पेमेंट करता हूँ इसीलिए मैं भीम UPI को ही सिलेक्ट किया। ठीक है, भीम UPI से मैं QR कोड से पेमेंट करता हूँ, और भीम UPI ID जो होता है जिसे कि मान के चलिए अपना मोबाइल नंबर @YBL या Paytm जो भी होता है जो पेमेंट का मेथड होता है, ठीक है, उससे थोड़ा बुकिंग फास्ट होती है। तो मैं क्या किया हूँ, पे थ्रो भीम UPI पे क्लिक करके कंटिन्यू किया हूँ, देखता हूँ मैं टिकट बुक कर पा रहा हूँ नहीं, मैं QR कोड स्कैनिंग करके करूँगा। जैसे कि आप देख पा रहे 11:05 हो चुका है, ठीक है, अभी भी मेरा पेज अभी रीओपन हुआ नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या होता है, अभी भी राउंड घूम रहा है, पता नहीं कंफर्म टिकट बुकिंग भी हो पाए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरा नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है, ठीक है, इसमें कैप्चा जल्दी से फिल कर देते हैं 9 कैपिटल भी, इसके बाद कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, तो मेरा जो पैसेंजर्स का रिव्यू जर्नी डिटेल्स जो देखने को शो होता है वो आ चुका है, उसके बाद मैं अपना कैप्चा फिल कर चुका हूँ, कैप्चा फिल करने के बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, आई होप टिकट मैं कन्फर्म बुक कर पाऊँ। ठीक है, तो जैसे कि देख पा रहे हैं मेरा दूसरा पेज भी ओपन हो चुका है पेमेंट वाला, भीम UPI में सेलेक्ट कर चुका हूँ 3rd नंबर ऑप्शन, इसके बाद पे यूजिंग भीम जो Paytm का होता है उस पर क्लिक करके पे एंड्स बुक नाउ पे मैं क्लिक कर चुका हूँ। ठीक है,
इसके बाद देखते हैं क्या होता है। क्यूआर कोड जैसे ही ओपन होगा वैसे ही मैं अपना फ़ोन पे ओपन कर लूँगा। इसके बाद मैं अपना स्कैनर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें पेटीएम का स्कैनर आ चुका है। अब मैं अपना फ़ोन पे ओपन कर लेता हूँ, अपना ओपन करके इसको स्कैन करके मैं फ़ोन पे से पेमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए अपना फ़ोन पे ओपन कर लिया हूँ। ठीक है, ओपन करने के बाद मैं मेरा फ़ोन पे से देखिए पेमेंट तो डेबिट हो चुका है, बट देखते हैं IRCTC में कब तक होता है। 11:06 हो रहा है। ठीक है, तो जो भी पेमेंट था मैं अपना फ़ोन पे से डेबिट करवा चुका हूँ। इसके बाद मैं देखता हूँ मुझे टिकट मिल पाता है या नहीं। 11:06, पता नहीं हो पाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे कि हमारा टिकट कंफर्म बुकिंग हो चुका है, हावड़ा टू जौनपुर कल का ही डेट में हो गया है। देखिए 1 जून दिखा रहा है इसमें। ठीक है, रात को 8:25 में दून एक्सप्रेस, देख लीजिए वही गाड़ी नंबर है। और S10 में 1 नंबर लोअर बर्थ मिला मेरे को। ठीक है, S10 में मेरा बुकिंग कंफर्म हो चुका है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मतलब अगर आप तत्काल टिकट बुकिंग में लगातार अपना मतलब इसमें लगे रह रहे हैं तो आपको टिकट जरूर कंफर्म मिलेगा। ठीक है, आप मतलब आपको लगता है ऐसे है कि नहीं 11:05 हो गया अब नहीं मिलेगा, 11:06 हो गया अब नहीं मिलेगा, इसका सर्वर जैसे ही ठीक हो रहा है वैसे ही टिकट बुकिंग हो पा रहा है। ठीक है, अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मास्टर लिस्ट मेरा वर्क नहीं कर रहा था, बट मैं कैसे कैसे करके मैं टिकट बुक कर पाया हूँ। सो आई होप कि आप सभी को हमारा ये जानकारी अच्छा लगा होगा, हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुँच सके।